हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अंडा की भुजिया बनाएंगे, बिना मसालेदार सादी भुजिया बनाएंगे। हमने दो अंडा लिया है, एक टमाटर, एक बड़ा प्याज बारीक काट लिया है। इधर पैन रख दिए हैं, गरम हो रहा है। दो चम्मच हम तेल डालेंगे सरसों का, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। जीरा हल्का पकने देते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल दे रहे हैं। प्याज देखिए बारीक बारीक कटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं काटे हैं हम। प्याज हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, हल्का ही पकाएंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं। ये टमाटर इधर हम काट लिए हैं, इस तरह बारीक काटे हुए हैं। अब इसको भी डाल दे रहे हैं। इसमें हम मसाला नहीं डालेंगे, बिना मसाला के बनाएंगे, क्योंकि बिना मसाले के बहुत ही स्वादिष्ट आता है। तो इस तरीके से हम इसको बराबर चलाने, देखिए हल्का गल गया टमाटर भी। अब इसमें हम अंडा डालेंगे, तो अंडा हम पहले तोड़ के देख लेते हैं अंडा सही है कि नहीं। ये देखिए अंडा हम कटोरी में तोड़ लिए, अंडा सही है। अब इसको हम डालेंगे। अंडा इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से बराबर चलाते रहेंगे ताकि जले ना ये, और मीडियम गैस पे हमको बनाना है। गैस तेज़ नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा। ये इसमें चिपक रहा है, तो इस तरीके से हमको बराबर चलाना रहे। इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल दे रहे हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से बराबर चलाते रहेंगे। तो हल्का पक गया है, तो अब चिपकेगा नहीं। हमको इसको बराबर चलाते हुए ब्राउन करना है। इस तरीके से देखिए हम चला रहे हैं, हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। अभी दो मिनट तक और हम पकाएंगे। ये देखिए ब्राउन हो गया, तो अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे। ये बन गया है, इस तरीके से इसको हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं। ये ठंड में बहुत ही स्वादिष्ट आता है, और बिना मसाले का हेल्दी भी होता है। अब इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। हम हरी धनिया ऊपर से ऐड कर रहे हैं। ये हमारा तरीका अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।